देखा टेलीविजन पर। दुर्भाग्य से बड़े दुख की बात है, मैं इस बात की बड़ी तकलीफ भी है कि हीट स्ट्रोक के कारण जो है लोगों के प्राण चले गए। तो लोगों को यही एडवाइस है कि भाई खासकर जो ये जो हीट स्ट्रोक है या तो एक्सट्रीम ऑफ एज होता है, या तो बहुत छोटे को प्रभावित करेगा या बहुत बड़े को प्रभावित करेगा, बड़ी उम्र के लोग को बाहर जो है थोड़ा सा अवॉइड करना अभी जब तक कि मौसम थोड़ा ज़्यादा है। अभी जैसे बताया गया कि यहाँ कल पटना में वाटर्स डे था पता नहीं कितने सालों का, तो ऐसे में जितना हम अवॉइड कर सकते हैं बाहर एक्सपोजर जो है, क्योंकि यूज टू अगर नहीं है लोग उस टेम्परेचर के ऊपर रहने के लिए, तो उसको अवॉइड करना और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है छाया में और ठंडे एटमोसफेयर में रहना। बेसिक बात तो यह है कि जो चीज़ का कारण हीट है, बड़ा हुआ टेम्परेचर है, अगर कोई एक्सपोज हो गया है तो सबसे पहला तो यह है कि भाई उसका बॉडी का जनरली हीट स्ट्रोक जो होता है जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए उसको डेफिनेशन के हिसाब से उसको, तो सबसे पहले तो उसको तुरंत उसकी बॉडी को ठंडा करना ज़रूरी है। वो उसके लिए कोल्ड स्पंजिस है, बर्फ है, दूसरी चीज़ें है, उसका टेम्परेचर हीट स्ट्रोक इससे प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो जितना बाहर हम एक्सपोजर बचा सकते हैं तुरंत उसको कूल एटमोसफेयर में ला सकते हैं, एयर कंडीशन में ला सकते हैं, छाँव में ला सकते हैं, खुली धूप से जो है उसको बचा सकते हैं। ब्रॉड तो मोटी मोटी बात ये है ना, और ये कॉमन सेंस की भी बात है, ये ऐसे नहीं कि कोई मेडिकल साइंस की बात है कि भाई अगर तकलीफ हीट के कारण हो रही है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण ब्रेन को तकलीफ हो रही है, तो फिर हमें तुरंत बॉडी टेम्परेचर को कम करना है। जैसे होता है बर्न हो जाता है, कहते हैं तुरंत जो है उसको पानी के अंदर डाल दो तो बर्न का जो इफेक्ट स्किन के ऊपर होगा वो जो है एकदम कम से कम हो जाएंगे। लेकिन अभी जब तक हम देख ना ले वहाँ पर मिलों से ना मिल रहे, डॉक्टरों से ना मिल रहे, वहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से ना मिल रहे, सारे वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं फील्ड वर्कर्स से बातचीत ना कर ले, मैं पटना छोड़ने से पहले जो मेरे मन में है, जो मुझे लगता है, जो हमको सबको मिलकर करना है, आपसे हर चीज़ शेयर करके जाऊंगा, कोई चीज़ आपसे छुपा कर।